सुप्रभात। द एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज अपन क्लास 8 विषय संस्कृत प्रथम पाठ सुभाषितानी के श्लोक के बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा तीन या चार श्लोक की अपन व्याख्या कर चुके हैं, कुछ आपको समझ में आया होगा अच्छे से। आज हम पांचवा श्लोक की व्याख्या करते हैं। उसमें श्लोक है विहाय पुरुषम यो ही देव मेवावलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्तिना तिष्ठन्ति वायसा। इस श्लोक में क्या कहा गया है, इस श्लोक की अपन व्याख्या करते हैं। सबसे पहले अपन कठिन शब्दार्थ देखेंगे, फिर उस श्लोक की व्याख्या करेंगे। तो इस श्लोक को मैंने शॉर्ट रूप में लिखा है, जैसा आपके बोर्ड पे दिख रहा है, विहाय पुरुषम और तिष्ठन्ति वायसा, ये पूरा श्लोक है। इस श्लोक के शब्दार्थ लिखेंगे, शब्दार्थ आप साथ के साथ नोट करते जाएंगे। शब्दार्थ श्लोक के अंदर आए हैं वो लिखो। यो यो का मतलब होता है जो, पुरुषम पुरुषम पराक्रमण पराक्रम को या पराक्रम से, विहाय छोड़कर वायसा, वायसा मीन्स कौवे, कुछ ये शब्दार्थ थे जो आपके श्लोक में आए हैं उनको एक बार पढ़ लेते हैं। यो यो मीन्स जो, पुरुषम का मतलब पराक्रम, विहाय छोड़कर, वायसा वायसा का मतलब होता है कौवे। अब हम इस श्लोक की अपन सप्रसंग व्याख्या करते हैं। इसको नोट कर लिया होगा, सप्रसंग व्याख्या। सब प्रसंग में वापस वही लिखना होता है जो श्लोक को स्टार्ट करने में लिखते हैं कि यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक उचिदार के प्रथम पाठ सुभाषितानी से लिया गया है और इस श्लोक के अंदर क्या कहा गया है वो प्रसंग में लिखा जाएगा। तो साथ साथ समझ लो कि यह श्लोक या प्रस्तुत श्लोक, कुछ भी लिख सकते हैं, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक अब पुस्तक का नाम लिखना है रुचिरा। हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा के प्रथम पाठ सुभाषितानी सुभाषितानी से लिया गया है, से लिया गया है। अब इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है उसके बारे में लिखना है। इस श्लोक में यही से स्टार्ट करते हैं। इस श्लोक में व्यक्ति को परिश्रम करने के लिए कहा गया है, यानी कर्म करते रहना चाहिए, परिश्रम करने के लिए
कहा गया है। विशेष बात भी यही है कि हमें
विशेष में फर्स्ट पॉइंट है कि प्रस्तुत श्लोक में भाग्य का सहारा न लेकर सहज एवं सरल है। एक छोटा सा श्लोक आप इसको याद करेंगे, इसी के आगे दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। पुष्प पत्र फल लच्छाया मूल वल्क दारु भी धन्य मही हुआ ये शाम विमुख यान्ति नार्थिना। दूसरा श्लोक, पुष्प पत्र फल मूल यानी जड़ दारुबी यानी इसके जो पेड़ है, महिरुहा छाल है लकड़ियों के द्वारा जो भी इसके पास है वो सब कुछ लुटा देता है, यानी पेड़ में कितनी सहानुभूति है ये इस बात को इस श्लोक के अंदर बताते हैं। तो अपन इसको साथ साथ नोट करते जाएंगे। सबसे पहले श्लोक के अंदर जो कठिन शब्द आए हैं वो लिखेंगे, और अपने को लिखने से पहले थोड़ा सा श्लोक नंबर सिक्स पुष्प पत्र फल छाया मूलक ये सब फल फूल मूल जड़ छाया सब पेड़ के द्वारा जो हमें मिलती है विमुख यान्ति। शॉर्ट रूप में आपको ऐसे लिखना होता है विमुख यान्ति। ये आपका सिक्स नंबर का श्लोक है, किताब में पूरा इसको पढ़ेंगे। इसके बाद व्याख्या करते समय शब्दार्थ लिखेंगे। इस श्लोक के अंदर जो कठिन शब्द आए हुए हैं विपदाम यानी विपत्ति। सबसे पहले आया है कुछ जानते हो पत्र फल छाया मूल जग ये तो है ही, लेकिन जो कठिन शब्द है उनको लिखेंगे महिरुहा। महिरुहा का मतलब होता है अर्थिन
याचक, जो मांग जो जो मांगता है वो दे देता है, दानी याचक। महिवा पेड़ बलकर यानी छाल, दारूपी मतलब लकड़ियों द्वारा, येशान यानी जिसके, आर्थिक आर्थिक याचक। इसकी वापस सर्वसंग आज्ञा करेंगे, सुभाषितानी से लिया गया है। इस श्लोक के अंदर क्या कहा गया है कि इसमें पेड़ की सहानुभूति और महानता का वर्णन किया गया है। तो देखो इसको, इसमें पेड़ की सहानुभूति और महानता का वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया है। अब विटल से इसकी व्याख्या करेंगे कि श्लोक में क्या कहा गया है। वही बात, उपयुक्त श्लोक में लकड़ी
झटपट छाल लकड़ी याचक कभी याचक यानी जो भी उसके पास आता है दानी तो देने वाला उसके पास बहुत कुछ है पेड़ के पास वो कभी खाली नहीं जाता है जिसके कारण याचक कभी कभी उनसे विमुख नहीं होता है उनसे विमुख या खाली या विमुख भी लिख सकते या निराश निराश कर या निराश नहीं होते हैं नहीं होते अर्थात पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है वे कभी याचक को वे कभी याचक को खाली नहीं भेजते हैं खाली नहीं भेजते हैं यानी पेड़ के पास सब कुछ है पेड़ के नीचे जाओ छाया मिलेगी पेड़ के पास जाओ पत्ते गिरेंगे छाया मिलेगी फूल मिलेंगे फल मिलेंगे कुछ न कुछ उनसे प्राप्त होगा तो वो पेड़ कितना धन्य है कि कभी याचक को खाली नहीं जाने देता है तो इस श्लोक के अंदर विशेष बात भी यही है कि पेड़ों में बहुत सहानुभूति है बहुत महानता है बहुत दयालु है और इसका विशेष ली गई है इस श्लोक में पेड़ को दानी भी कहा गया है दानी भी कह सकते हैं या दानी बताया गया है और दूसरी लाइन बोल सकते कि भाषा सहज है भाषा सहज भाषा परिस्थिति में इसकी भाषा सरल व सहज है तो ये श्लोक भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि पेड़ की तरह अपने को भी दानी बनना है महानता दिखानी है कि कोई भी अपने पास आ जाए तो उसे खाली नहीं जाने देना चाहिए इसी तरह कोई भिक्षा मांगने के लिए घर पे आ जाए तो अपन उसको भगा देते हैं नहीं पेड़ की तरह हमें दानी होना चाहिए
किसी को खाली हाथ नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये श्लोक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इसको आप घर पे पढ़ेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे। इसी के साथ अगला श्लोक अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आपको कुछ बात पूछनी है